हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक मिनट की खबर के लिए सीधे चलते हैं कुमकुम बिनवाल के पास। बिल्कुल विकास, ये खबर भी विदेश से ही है। सोमालिया में 33 भारतीय मजदूरों को एक कंपनी ने बंधक बना लिया है। मजदूरों ने अब वीडियो के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। केन्या एम्बेसी राजेश मिर्ति पार्टी जी से निवेदन करके इसी तरह से हम लोग को इंडिया बुलाने का कृपया कष्ट करें सर, हम लोग बहुत दिक्कत में सर। आंखों में बेबसी और दिल में वतन लौटने की चाहत, ये लोग अपनी रिहाई के लिए हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ना यहाँ पर मेडिकल होता है, ना दवा मिलता है। हम लोग को 2-3 आदमी को बुखार भी हो गया है और ये लोग दवा भी नहीं कराते हैं। सोमालिया की कंपनी ने उत्तर प्रदेश के 25 मजदूरों सहित 33 मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बना लिया है। खाना पानी दे रहे हैं। कुशीनगर के एक मजदूर ने मानव सेवा संस्थान से जुड़े राजेश मणि से संपर्क किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। जल्द से जल्द इंडिया बुलाएं हम लोगों को। वीडियो सामने आने के बाद केन्या में भारतीय दूतावास ने ट्वीट के जरिए 21 अक्टूबर को जवाब दिया। हम मजदूरों के संपर्क में हैं और इस विषय पर सोमालिया की सरकार से भी संपर्क किया है। सोमालिया के विदेश मंत्रालय के निदेशक ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इन लोगों को भारत जाने की व्यवस्था हो जाएगी।